फिलहाल आपको जानकारी दे दी, एक बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी घोषित, बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आई है। अर्जुन बामनिया होंगे कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवार, थोड़ी देर में नामांकन भरने पहुंचेंगे बामनिया। कांग्रेस डमी कैंडिडेट के तौर पर अरविंद जामोर से भरवा रही नामांकन। बागीदौरा विधानसभा सीट के लिए भी चल रहा मंथन, थोड़ी देर में सामने आएगा बागीदौरा विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी का भी नाम। तो फिलहाल बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट जहां पर कांग्रेस की तरफ से अब तक प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया था, इंतजार किया जा रहा था, लंबा मंथन जो है वो कांग्रेस का चला और आखिरकार अर्जुन बामनिया को इस वक्त मैदान में उतारा है। तो अब वो कुछ ही समय बाद अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जाएंगे। बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट जो अपने आप में काफी दिलचस्प सीटों में से एक है, इसीलिए शायद इतना लंबा समय लग गया है कांग्रेस को यहां पर अपना प्रत्याशी घोषित करने में। अभी फिलहाल जानकारी निकलकर सामने आई है कि कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी यहां पर घोषित कर दिया है। खबर है कि अर्जुन बामनिया जो है थोड़ी देर में नामांकन दाखिल करने के लिए जाएंगे। बड़ा अपडेट इस वक्त आपको दे रहे हैं क्योंकि अब अंतिम समय चल रहा है नॉमिनेशन फाइल करने का, तो ऐसे में लगातार इस पर नजरें भी हैं। जयेश उस वक्त संवाददाता हमारे साथ हैं, उनसे अधिक जानकारी लेते हैं। जयेश, खबर निकलकर सामने आई है कि बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट पर कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित कर दिया है। जी बिल्कुल, डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने प्रत्याशी अब तक घोषित नहीं किया था। बीएपी से गठबंधन की कवायद के चलते घोषणा नहीं की गई थी। नामांकन का आज आखिरी दिन है, 3 बजे तक नामांकन प्रस्तुत करने हैं। ऐसे में लगातार कांग्रेस जो है वो अपने प्रत्याशी चयन को लेकर के कोशिशें कर रही थी। बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले के नेताओं की एक बैठक बांसवाड़ा में चल रही है, उसी बैठक से नाम निकल करके आया है। पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा ने पुष्टि की इस बात की कि जो पूर्व मंत्री बांसवाड़ा से अर्जुन बामनिया वो लोकसभा प्रत्याशी होंगे बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट पर कांग्रेस के, और थोड़ी देर में वो नामांकन भरने के लिए प्रस्तुत करेंगे। साथ ही जो बांसवाड़ा जिले की बागीदौरा विधानसभा सीट है उस पर विधानसभा प्रत्याशी उतारने की भी कवायद चल रही है। 4 नामों को लेकर चर्चा चल रही है और 4 नामों में से एक नाम पर थोड़ी देर सहमति बनने की संभावना बनते ही बागीदौरा विधानसभा सीट से भी कांग्रेस का प्रत्याशी उतार दिया जाएगा। जी ठीक है, लेकिन ये भी जानकारी दीजिए देश, इतना समय कैसे लग गया कांग्रेस को अंतिम दौर में आकर प्रत्याशी का नाम घोषित किया गया है, इसके पीछे का कारण क्या माने? देखिए, कांग्रेस में लोकसभा चुनाव में बांसवाड़ा और डूंगरपुर दो जिले पड़ते हैं और दोनों जिलों में भारी से टिकट लेने की, पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने डूंगरपुर से अपना प्रत्याशी बनाया था तो इस बार बांसवाड़ा जिले की बारी थी, लेकिन बांसवाड़ा जिले से प्रत्याशी चयन में वहां के जो स्थानीय नेता है उनमें सहमति नहीं बन पा रही थी, और साथ ही जो भारतीय भारत आदिवासी पार्टी उससे गठबंधन की भी कवायदें चल रही थी लेकिन गठबंधन नहीं हो पाया। इन दोनों कारणों के चलते प्रत्याशी तय नहीं कर पाई थी। अंतिम समय में आज कुछ ही घंटे शेष रह गए हैं, ऐसे में कांग्रेस को निर्णय लेना था और बांसवाड़ा और डूंगरपुर के नेताओं ने मिलकर अभी थोड़ी देर पहले ही ये निर्णय लिया है कि जो अर्जुन बामनिया है वो प्रत्याशी होंगे। जी ठीक है, लेकिन अभी बागीदौरा को लेकर भी चल रही है चर्चा, इसको लेकर क्या जानकारी? बागीदौरा विधानसभा पे विधायक प्रत्याशी उतारने को लेकर के चर्चा चल रही है, चर्चा में है। 4 नाम फिलहाल हमारे पास नहीं है लेकिन थोड़ी देर में करीब आधे घंटे के अंदर अंदर बागीदौरा विधानसभा सीट से भी कांग्रेस का प्रत्याशी है वो घोषित हो जाएगा और वो भी आज ही फॉर्म भरेगा। जी ठीक है, बीएपी से गठबंधन की बात चल रही थी, कहां पर असमंजस रहा? देखिए, भारत आदिवासी पार्टी जो है वो लगातार तेजी से बढ़ कर आई है आदिवासी इलाके में, विधानसभा चुनाव में उनके 3 विधायक भी जीते हैं और कांग्रेस को इसी पार्टी की वजह से काफी नुकसान हुआ था। इस वजह से कांग्रेस चाह रही थी कि गठबंधन हो जाए तो वो काफी मजबूत स्थिति में आ सकते हैं, इसी को लेकर के चल रहा था, लेकिन भारत आदिवासी पार्टी के जो नेता है राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहनलाल रोत वो लगातार मना करते आ रहे थे कि भारत आदिवासी पार्टी किसी से गठबंधन नहीं करेगी, लेकिन कंदर खान ने गठबंधन की कवायद जरूर चल रही थी जो समय तक सहमति नहीं बनी और आखिर में गठबंधन नहीं हो पाया जिसकी वजह से कांग्रेस को अब अपना प्रत्याशी उतारना ही पड़ा। लेकिन अब तो मुकाबला जयेश काफी दिलचस्प हो गया है। जी बिल्कुल, अभी आज सुबह तक की जो समीकरण थे, राजनीतिक समीकरण थे, उसमें भारत आदिवासी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सीधा मुकाबला देखा जा रहा था, लेकिन अब कांग्रेस के प्रति सामने आने से अब जो मुकाबला त्रिकोणीय हो जाएगा और कांटे की टक्कर पार्टी, बिल्कुल त्रिकोणीय मुकाबला हो जाएगा और काफी अहम रहेगा ये चुनाव। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए।